प्यारे विद्यार्थियों, मैं ध्रुव प्रसाद शर्मा आपका बायोलॉजी की क्लास में, साइंस की क्लास में स्वागत करता हूं। और हम जो टॉपिक 10th एनसीईआरटी का लेके चल रहे थे, पिछला वीडियो जो था ऑटोट्रॉफ से संबंधित था, अब उसके बाद में आपके जो टॉपिक दे रखा है वो रंध्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, रंध्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा दे रखिए। हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। देखो, मेरा पिछला वीडियो में ऑटोट्रॉप्स की बात हुई थी, हेटरोट्रॉप्स की बात नहीं हुई। क्यों? क्योंकि आपके सिलेबस में हेटरोट्रॉप्स आगे दे रखा है, तो मैं उसे बाद में क्लेरिफाई करूंगा। और उससे पहले आपको क्लेरिफाई करता हूं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखा है आपके रंध्र की संरचना। तो देखो, रंध्र की संरचना बात करें तो रंध्र क्या है? एक पोर है। पोर मतलब छिद्र है, ये मान लो एक पोर है। इस पोर के दोनों तरफ, बोथ साइड, आपकी कोशिका मिलती है। ऐसे सेल्स इस छेद को दोनों तरफ से कवर करके रखेगी, दोनों तरफ से कवर करके रखेगी। तो ये सेल्स जो है इस छेद को यू कवर कर रही है। ये सेल्स की जो मेम्ब्रेन है वो मेम्ब्रेन इनर साइड में थोड़ी थिक होती है, मोटी होती है। देखो, मैंने डायग्राम के अंदर इस सेल्स की इनर मेम्ब्रेन को थिक बताया। ये सेल्स कौन सी है आपके? अगर मैं इस सेल्स की बात करूं तो इस सेल को द्वार कोशिका या गार्ड सेल, हम कौन सी सेल बोलते हैं? गार्ड सेल। पोर के दोनों तरफ जो कोशिकाएं सेल्स हैं उन सेल्स को हम क्या बोल रहे हैं? गार्ड। गार्ड कहां होता है? गेट के बाहर। गेट क्या है? पोर है एक तरह से। तो पोर के दोनों तरफ जो मिलेगा वो कौन सी सेल्स होगी? गार्ड सेल्स। ठीक है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो है वो थिन होती है, पतली होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो थिक होती है, मोटी होती है। ये दोनों क्या है? मेम्ब्रेन है, झिल्ली, जो आपकी कैसी है? थिक या थिक। ठीक है, अब इसी के अंदर और बात करें तो इसके अंदर हमारे बीच बीच में ऐसी कुछ कोशिकाएं और ऑर्गेनल्स और मिलते हैं। ये ऑर्गेनल्स कौन से हैं? ये ऑर्गेनल्स क्लोरोफिल हैं। क्लोरोफिल जो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। जो आपके क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण, मैं लिख देता हूं। ये आपके क्या क्रिया करते हैं? प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की जब ये क्रिया करते हैं तो फूड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, इन द्वार कोशिकाओं के बाहर की तरफ ऐसे इसको कवरिंग करने के लिए कुछ कोशिकाएं और मिलती हैं। इन कोशिकाओं को हम सहायक कोशिका, कौन सी कोशिका कहते हैं? सहायक कोशिका या एक्सेसरी सेल्स कहते हैं। जो द्वार कोशिका को चारों तरफ से आपके घेरे रहती है। ठीक है, इसके अलावा इन कोशिकाओं में न्यूक्लियस भी मिलेगा। भाई ये कोशिकाएं हैं तो इन कोशिकाओं में आपके क्या होगा? न्यूक्लियस मतलब केंद्रक भी होगा। ठीक है, तो ये मेरा जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर किसकी बता दी मैंने? रंध्र की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। अब रंध्र कहां होते हैं? पादप की जड़, तना, पत्ती, रूट, स्टेम और लीव्स, तीनों पर उपस्थित होते हैं। तीनों पर उपस्थित, दे आर प्रेजेंट ऑन रूट एंड रूट स्टेम एंड लीव्स।
ये ध्यान रखिएगा, अक्सर करके बच्चा क्या कर देता है, रंध्र केवल पत्ती पर होते हैं, जो गलत है। जड़, तना, पत्ती तीनों पर होंगे। अब रंध्र कार्य क्या करता है, कार्य मतलब वर्क या फंक्शन की बात करें तो उसका वर्क बेसिकली गैसों का विनिमय। गैसों का विनिमय मतलब गैसें लेता देता है, एक्सचेंजेस ऑफ गैस। दूसरा वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपीरेशन जो है वो इनका मुख्य कार्य है। ये दो मुख्य कार्य हैं, गैसों को रंध्र से बाहर निकालना और लेना, वो गैसों का विनिमय तो करता ही करता है, साथ में वाष्पोत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जन मतलब पानी को लिक्विड फॉर्म में बाहर निकालना। टॉपिक आएगा आपके अगर सिलेबस में तो मैं ट्रांसपीरेशन को क्लियर करूंगा प्रॉपर, पर जब तक आपको समझना होगा वर्क। अगर हम स्टोमेटा की बात करें तो वो वर्क बेसिकली क्या होता है स्टोमेटा का, कि जब आपके गैसों का विनिमय और ट्रांसपीरेशन, जब आपके टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड फॉर्म में जो वाटर था वो गैसेस फॉर्म में आएगा और बाहर निकल जाएगा, तो उसका वाष्प के रूप में वेपर फॉर्म में बाहर निकलना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अब देखो यहीं हम बात करें तो स्टोमेटा का खुलना और बंद होना भी बात कर लेते हैं, ओपन और क्लोज। मैं ऐसा करता हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट एक छोटा सा वीडियो और देता हूं या फिर यहीं क्लियर कर लेते हैं, अभी ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है वीडियो, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं, सुनिएगा, इसे साफ कर दे रहा हूं थोड़ा सा। रंध्र का खुलना मतलब ओपन होना, ओपन कब होगा सुनिएगा, जब पानी, जब पानी मतलब वाटर, वाटर जब द्वार कोशिका में जाएगा, द्वार कोशिका में मतलब गार्ड सेल्स में जब एंट्री करेगा तो उसके कारण गार्ड सेल्स फूल जाएगी, फूल जाती है मतलब क्या हो जाता है, सेल्स विल बी टर्जिड, टर्जिड या स्वेलो। अगर पानी जो है इस गार्ड सेल्स में जाएगा तो ये गार्ड सेल्स फूलेगी, और फूलेगी तो खिंचेगी, और खिंचने के कारण स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन या खुल जाता है। पहला चीज खुलता कैसे है, सिंपल टेंथ के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें, हालांकि इसका मैकेनिज्म होता है जब हायर क्लासेस में आप 11, 12 में जब आप पढ़ेंगे साइंस बायोलॉजी लेंगे तो इसका एक मैकेनिज्म है, पर टेंथ के अंदर इतना डिटेल नहीं है, इसलिए टेंथ में, टेंथ के अकॉर्डिंग बात करें तो गार्ड सेल्स खुलती क्यों हैं, जब वाटर मॉलिक्यूल गार्ड सेल्स में एंटर करेगा, एंटर इन गार्ड सेल्स, तो उसके कारण गार्ड सेल्स फूल जाती है या टर्जिड हो जाती है या स्वेलो हो जाती है, ये टर्म दे रखे हैं, और इसके कारण स्टोमेटा क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। मानो इस पर प्रेशर पड़ेगा तो ये फूलेगी, फूलेगी तो ये बाहर की तरफ मूव करेगी, तो ये जो पोर है ये खुल जाएगा। जबकि हम बंद होने की बात करें, क्लोज होने की, तो उस वक्त पानी जो है वो द्वार कोशिका से बाहर निकलेगा, बाहर निकलता है, एग्जिट होता है। यहां तो क्या हो रहा था, एंटर हो रहा था, यहां एग्जिट होगा। इसके कारण द्वार कोशिका फूलने की जगह स्फीत की जगह, इसको स्फीत भी बोलते हैं हिंदी में, स्लथ हो जाती है। स्लथ को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लैसिड। गार्ड सेल्स कैसी हो जाएगी, ढीली पड़ जाएगी, स्लथ हो जाएगी, फ्लैसिड कंडीशन में आ जाएगी, और इसके कारण गार्ड सेल
जो है ढीली होने के कारण जो स्टोमेटा है वो क्या हो जाएगा, क्लोज या बंद हो जाएगा। ये आपका एक छोटा सा पॉइंट और था कि गार्ड सेल्स के कारण स्टोमेटा ओपन और क्लोज कैसे होता है। आप दोबारा देखिएगा, अगर वाटर मॉलिक्यूल इन सेल से इस गार्ड सेल में जाएगी तो गार्ड सेल फूलेगी, स्वेलो होगी, और स्वेलो होने को हम साइंटिफिक टर्म क्या बोलते हैं, टर्जिड, ध्यान रखिएगा, या स्पीट। स्पीट होगी तो प्रेशर पड़ेगा तो ये बाहर की तरफ जाएगी और इसके कारण गार्ड सेल्स का ये जो छेद है वो खुल जाएगा। जबकि अपोजिट बात करें, पानी इससे बाहर निकला, मैं एक तरफ खुलने की बात करता हूं, अगर वाटर मॉलिक्यूल इसमें अंदर जाएगा तो ये क्या होगी, स्वेलो, टर्जिड हो जाएगी, सेल्स क्या होगी, टर्जिड। और टर्जिड होने के कारण ये आपके स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन। जबकि मैं इसकी बात करूं, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए तो यहां सेल क्या हो जाएगी, फ्लेसिड, और फ्लेसिड होने से क्या हो जाएगा, क्लोज। ये तीन शब्द याद रख लेना, अगर एंटर हो रहा है गार्ड सेल्स में तो शब्द क्या आएगा, टर्जिड, ओपन होने में H2O क्या होगा, एंटर, और एंटर होने से सेल क्या होगी, टर्जिड, और टर्जिड होने से आपके स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन। पहला फॉर्मूला, जबकि मैं दूसरा फॉर्मूला इधर लिख दूं आपके क्लोज, तो क्लोज होने में वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, एग्जिट, और इसके कारण सेल क्या हो जाएगी, फ्लेसिड, और इसके कारण स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज। तो ये ध्यान दीजिएगा, मैंने दो फॉर्मूले दे दिए आपको, एक फॉर्मूला दे दिया ओपन होने का और दूसरा फॉर्मूला दे दिया क्लोज होने का। तो मेरा ये टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, साथ में ओपन और क्लोज का मैकेनिज्म जो दे रखा है आपके बुक्स में, एनसीईआरटी में, वो क्लियर किया। आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप ध्यान दें इसको थोड़ा सा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।